हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ पेरेंटिंग गोल्स। आई एम दिशा, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आफ्टर प्रेगनेंसी टीदिंग का इश्यू होता है या ओरल इश्यू होता है तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन टू सी दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आफ्टर प्रेगनेंसी टीदिंग की प्रॉब्लम होती है या ओरल इश्यूज होता है तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। वुमेन की बॉडी काफी चेंजेस से गुजर रही होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं वुमेन्स की बॉडी में। उसमें से एक चेंज होता है डेंटल इश्यू, ओरल इश्यू या टीदिंग की प्रॉब्लम होती है। तो उसे हमें कैसे ओवरकम करना है, उसे हमें कैसे ट्रीट करना है, हमें कैसे उसका ख्याल रखना है। हमें अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। बेबी के आ जाने के बाद हमें अपना भी ध्यान देना है और बेबी का भी ध्यान देना है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, स्वस्थ बच्चे को पाल सकती है। तो हमें अपना भी हेल्थ का ध्यान देना है और बेबी की भी हेल्थ का ध्यान देना है। तो आज हम जानते हैं कि बेबीज होने के बाद जो मॉम को प्रॉब्लम हो रही होती है, टीदिंग का इश्यू हो रहा होता है या ओरल इश्यू हो रहा होता है, उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। आज का मेरा वीडियो कोलैब वीडियो है डेंटिस्ट ईशा के साथ, डॉक्टर ईशा के साथ, शी इज माई सिस्टर। एंड वो आपको बताएगी कि हमें न्यू मॉम को क्या क्या ध्यान देना है टीदिंग से रिलेटेड। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आगे डॉक्टर ईशा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशा, आई एम अ डेंटिस्ट। आज मैं आप लोगों को विमेन्स के ओरल हेल्थ आफ्टर प्रेगनेंसी, कैसे वो ओरल हेल्थ मेंटेन करें आफ्टर प्रेगनेंसी, उसके बारे में बताना चाहूँगी। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और गम ब्लीडिंग स्पेशली फेस करना पड़ता है विमेन्स को। आफ्टर प्रेगनेंसी उसे कैसे क्योर किया जा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट है आप फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज़ करना स्टार्ट करें। फ्लोराइड वो टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड कंटेंट सबसे ज़्यादा हो। वाइल प्रेगनेंसी दांत क्यों खराब होते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड रिफ्लेक्स की वजह से। जब मॉर्निंग सिकनेस होता है किसी वेमेन को या बहुत वॉमिटिंग होती है, पेट में से बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है जो वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है, और या एसिडिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूजुअली भी बहुत होती है, उसकी वजह से जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उस मेन वो कारण होता है हमारे गम्स को और हमारे टीथ को इरोड करने में। तो उसे हम कैसे क्योर करें, उसके लिए हमें एक डेंटल विजिट लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी। एक दो महीने के अंदर ही कोशिश करें कि आप एक डेंटल विजिट लें, डेंटिस्ट को दिखाएं, वो आपकी डेंटल आप सबसे पहले तो वो क्लीनिंग करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनिंग करने से आपके गम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आपके दांतों को वापस से काफ़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसके बाद अगर कोई भी दांत में कीड़ा लग गया था वाइल प्रेगनेंसी, कभी कभी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो जाता है उसकी वजह से गम्स टूथ में डिपॉजिट्स होने के या कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए आप वो भी डेंटिस्ट को दिखाएं। आफ्टर प्रेगनेंसी जो भी ट्रीटमेंट वो बोलते हैं, लाइक सिंपल फिलिंग, रूट कैनाल, कुछ भी, तो वो दिखा कराना तो बहुत ज़रूरी है। एंड ट्वाइस ब्रशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, माउथ वॉश बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे का ध्यान देते देते आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे आप अपनी पूरी बॉडी का ध्यान देते हैं, अच्छे से रेस्ट करते हैं, नींद पूरी लेने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपको अपने दांतों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी खाली पेट आपको कहा जाता है सुबह सुबह कि अरे जल्दी से दूध पी लो, पहले लड्डू खा लो, पहले आप ब्रश करें उसके बाद ही आप कोई चीज़ लें। बच्चा सो रहा है लेकिन आपको कहा गया कि जल्दी जल्दी खा लो, वो सो रहा है, थोड़ा सा अपना रेस्ट कर लो, बट कोशिश करिए कि आप पहले ब्रश करें, प्रॉपर गार्गलिंग करें, रात को भी सोने के पहले प्रॉपर ब्रशिंग करें, गार्गलिंग करें। ये सब स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है, दूध पीजिए, जो फूड प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन सी हो सबसे ज़्यादा, लाइक सिट्रस फ्रूट्स, वो सब चीज़ें लीजिए, वो आपके गम्स को और आपके दांतों को बहुत हेल्दी बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, आपको अपना भी ख्याल करना है बेबी के होने के बाद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी कोई भी टीजिंग से रिलेटेड या कैसी भी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, आप
आपको लगता है मेरा वीडियो किसी के लिए यूजफुल है उससे आप शेयर कर सकते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन टू सी दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।